कल मैंने वो सेंड कर दिया था सब। ठीक जी सर, मैंने सुबह डाउनलोड किया है। ठीक एंड शेयरिंग माय स्क्रीन। अफ्टर आप आई डाउनलोड करते हैं सर तो वीडियोस यूट्यूब पे डालते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, स्टडी वीडियोस नहीं, मटेरियल। वो असल में स्टडी मटेरियल डाउनलोड किया था। ऑफिस में तो इतना टाइम ही नहीं होता, अभी कुछ दिन क्लास नहीं होगी तो सोच रही हूँ कि रिवीजन कर दूँ ना कुछ चीज़ों की। जी देखिए हम टेस्ट डेटा देखते हैं। जी प्लॉट ग्रीन तो टेस्ट डेटा में हम देख रहे हैं 32 मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक तो है अच्छे तो ठीक है। तो हम इनको चाहें तो ओमिट कर सकते हैं, खाली 32 है ना। वो हमारे पास टेस्ट डेटा जो है वो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं हम देखते हैं इधर। ऑब्जर्वेशंस इन टेस्ट डेटा वी हैव 750। ओके तो 32 ऑब्जर्वेशन यदि जाते भी हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे डेटा साइज में। ठीक है तो हम इसको ओमिट कर देते हैं। एल डी अंडरस्कोर टेस्ट पाइप टू एन ए डॉट ओमिट। ठीक है तो 750 में से जब हमने ओमिट किए और अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास अभी भी अच्छा ओमिट नहीं कर रहा है ड्यू टू सम लाइब्रेरी डीप लाया जी है ना। अब मैं इसको ऑमिट करता हूँ तो 723 बचे। ओके इज इट क्लियर। क्योंकि 32 डिफरेंट रो में नहीं थे, किसी रो में दो या तीन भी होंगे, इस कारण से ये संख्या कम डिक्रीज हुई। वॉट इट 32 यदि 750 में से डिक्रीज करते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास? 118 718 बचते हैं। वॉट इट ठीक है। पर हमें 723 इसलिए मिल रहा है कि किसी एक रो में एक से ज्यादा मिसिंग वैल्यूज रही होंगी है ना। तो ऑब्जर्वेशन तो वो उसी हिसाब से हटाएगा जिसमें मिसिंग वैल्यू होंगी। ठीक है ठीक है। तो ये टेस्ट डेटा पे कर रहे हैं अपन काम, तो एनए वाला काम तो खत्म हो गया मिसिंग वैल्यू वाला। अब हम देखते हैं आउटलायर्स। तो अमाउंट रिक्वेस्टेड में हम आउटलायर चेक करते हैं। इफ एल्स यदि टेस्ट डेटा के रिक्वेस्टेड में UL AR ये हमने पहले निकाला था कल। कल से भी पहले निकाला था सर। हाँ मतलब अपन ने परसों नरसों ये जी, 33,500 तो निकाला था ये। जो भी वैल्यू 33,500 से ज्यादा होगी उसको हम 33,500 कर लेंगे और बाकी की एज इट इज रहेंगी। ठीक है तो ये हमने रन कर दिया। इसी प्रकार हम बाकी के जो डेटा था मंथली इनकम को लॉग में कन्वर्ट किया। ठीक है फिर उसके अंदर आउटलायर्स चेक करें दोनों तरफ की आउटलायर। क्रेडिट बैलेंस में भी हमने वही किया, फिको को भी हमने जो है आउटलायर चेक करी थी और ये हमने किया। अब जो मैं आपको बता रहा था कल, एक मैंने फिगर बनाया था कि जो फिगर था ये नहीं दिस वन, ये वाला बिल्कुल और पहला भी था शायद ना, पहला भी बिल्कुल यही था। ये पहला फिगर हम देखते हैं शायद ये शेड्यूल्स वर्सेस पिकअप फिटेड ऐसे है ना, बन ये अपना ट्रेनिंग का था। यदि मैं ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करता हूँ इसमें और इस मॉडल में पुराने मॉडल में मैं एक वेरिएबल ओवर एड कर देता हूँ डेटा में। सेट में। डेटा में एक वेरिएबल ओवर एड करता हूँ जिसको मैं जब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया तो मुझे फीको जो है वेरिएबल उधर थोड़ा सा दिक्कत लगा कि भाई वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि मैं फिको का आपको यहाँ पर
वैल्यू का यदि हाँ एक सेकंड, यहाँ मैंने टेस्ट डेटा पे कर दिया है वो पिको टू, पिको टू मैंने ओपन नहीं किया है। और मैं एक बार चेक करूंगा अपना डेटा, एलडी ट्रेन 17 वेरिएबल है, और मैं एक काम कर रहा हूँ इसमें एक फिको स्क्वायर, क्योंकि ये फंक्शन स्क्वायर फंक्शन है ना, रेड जो लाइन दिख रही है, तो मैं हिट बिल्कुल एंड ट्रायल किया था सब पे, और बिल्कुल मैं इसको देखता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो मैं फिको वाले पे ये काम कर रहा हूँ। पहले मैं एल डी अंडरस्कोर ट्रेन, इसमें एक नया वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ डेटा सेट में, फिको स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ फिको टू, ठीक है, नया नाम है। गॉट इट ठीक है, स्वाति जी? फिको यस स्क्वायर सर, की जगह फिको टू लिख रहा हूँ मैं नाम में, और इसमें क्या करूंगा, एल डी अंडरस्कोर ट्रेन डॉलर फीको, ओके, इनटू एल डी अंडरस्कोर ट्रेन डॉलर फीको, दो बार मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर ही हुआ ना, क्लियर? ठीक यस है, स्वाति जी, दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर हो गया ये, और ये नए नाम से हमारे इस डेटा सेट में आ गया है। वॉट इट? ठीक है, अब यदि मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूं, यहां पर फिको टू नाम से आ गया, जो कि जो फिको है 712 का स्क्वायर ये होता है। वॉट इट? ये सब यस स्क्वायर वैल्यूज आ गई मेरे पास। ठीक अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस मॉडल को दोबारा से रन कर, सर, ये जो डेटा सेट में चेंजिंग्स आती हैं ये एक्चुअल में तो नहीं आती कि एक्चुअल डेटा सेट चेंज हो रहा नहीं होता है? एक्चुअल ठीक में नहीं, अपने जो डेटा फ्रेम में आएगी, डेटा फ्रेम आर के एनवायरनमेंट में, ठीक आर के ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेंज कर रहा है जो कुछ कर रहा है, ठीक है ना। आप इसको राइट डॉट सी एस वी करके सेव करेंगे अलग नाम से, तो आप सिस्टम में सेव कर सकते हैं इस मैनिपुलेटेड डेटा को, जो भी आपने चेंजेस किए, क्लीन किया है। वॉट इट? बिल्कुल अब मैं वही मैं क्या करता हूँ, एक फिट 9 ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद लेता हूँ फिट 9, और फिट 9 जो है वो मैं ये पूरा कॉपी करता हूँ वापस से, ओके। तो इसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट टिल्डा डॉट, यानी बाकी सब वेरिएबल इनको छोड़ के जो हमने पहले हटाए थे, ठीक है, वॉट इट, बाकी वही है, खाली एक वेरिएबल इसमें बढ़ गया, फीको स्क्वायर, वॉट इट, बढ़ गया ना ठीक है, ऑटोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल अब इसमें क्या होता है, जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन हम करते हैं तो इसमें हम पुराने फीको को नहीं हटाते पॉलिनोमियल में, अच्छा, ठीक है, वो भी फीको रहेगा, फीको स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है, वो मैं आपको मैथमेटिक्स इसके पीछे का बाद में बताऊंगा। हाँ, यदि अपने लॉग कन्वर्सन किया होता, अपन ने लॉग भी लिया होता किसी वेरिएबल का, हमें ऐसा फंक्शन यहाँ पे जो रेड लाइन कर्व दिख रहा है इसकी जगह हमें ऐसा फंक्शन दिखता कि वो लॉग को शो कर रहा है ना, तो हम लॉग करते किसी वेरिएबल की, लॉग वैल्यू लेते, ठीक है, तो लॉग वैल्यू जब लेते तो तब हम ओरिजिनल वाला वेरिएबल हटा देते लॉग में, ठीक यहां नहीं हटा रहा है स्क्वायर में,
वॉट इट। तो ये मैं बताऊंगा उसके पीछे, पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह वो अपन डिटेल में देखेंगे बाद में, अभी मैं इसको रन करता हूँ पहले तो, वॉट इट। और मैं समरी दिखाता हूँ आपको। तो ये जो समरी है मेरे पास, ये 0.8041 आया, इसके पहले वाला 8th मॉडल और आपको दिखा देता हूं मैं, ठीक है। 8th मॉडल की समरी देखें, 0.7699 था, जीरो और पॉइंट यहां सेवन कितना है, सिक्स 0.8041 था बढ़ गया ना, बिल्कुल, दोनों एडजस्टेड भी बढ़ बढ़ गए, गया, सर एडजस्टेड भी बढ़ गया, वो भी एडजस्टेड बढ़ भी गया। बढ़ गया, मतलब हमारा मॉडल थोड़ा सा और परफेक्ट हो गया, हो गया। हम क्या करेंगे कि ये फिगर फिर से बना के देखेंगे, कौन से जो हमने यहाँ बनाए थे, इधर बनाए हैं हमने फिगर, ये फिगर मैं दोबारा बनाता हूँ, ये फिगर आप देख लें, दिमाग में रखें, है ना। ये थोड़ा सा लाइन जो है वो बॉ है, मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, तो दिख रहा होगा आपके लिए, है ना। बिल्कुल अब मैं जब नया फिगर बनाऊंगा तो देखिएगा क्या चेंज आएगा। ये मैंने किया, नया प्लॉट बना रहा हूं, ये नहीं, मैंने मॉडल चेंज नहीं किया है, सॉरी फिट ले लिया है मैंने, फिट 8 का फिट पहले नाइन दिखाता हूँ, लेंगे। हाँ पहले फिट 8 का दिखाता हूँ, ओके फिट 8 का दिखाता हूँ। फिट 8 में यही है सेम, कोई चेंज नहीं। बिल्कुल अब फिट 9 लेता हूं मैं, और ये आपको दिखाता हूं, देखिएगा लाइन थोड़ी स्ट्रेट हो गई पहले से, बिल्कुल, वो ब्लैक लाइन के साथ साथ आ रही है। है ना, साथ साथ आ रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, पिछला वाला भी दिखा देता हूँ, पिछला देखिए ये है और ये देखिए, व्हाट इट, काफी यस चेंज हो गया। ऐसे करके बिल्कुल हम इसको जितना स्ट्रेट कर सकते हैं उतना स्ट्रेट करते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ये अब लीनियर ना होके थोड़ा सा कर्वी लीनियर मॉडल हो गया, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन आ गया है, बिल्कुल तो डिग्री इसकी 2 हो गई अब फंक्शन की। अभी तक फंक्शन की डिग्री क्या थी, हर वेरिएबल का हमारा डिग्री 1 ही था, ठीक बिल्कुल है, अब 2 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया एक प्रकार का, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन नॉन लीनियर हो। तो इस प्रकार से हम लोग ने इसको किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर टेस्ट डेटा में भी वो वेरिएबल मुझे बढ़ाना पड़ेगा, फिको टू बढ़ाना पड़ेगा, गॉट इट। टेस्ट डेटा में भी तो करना ही पड़ेगा ना, डेटा फ्रेम में वही वेरिएबल होना चाहिए जो मेरे मॉडल 9 में है, यस तो मैं टेस्ट डेटा में भी फिको टू बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट डेटा यदि मैं आपको दिखाता हूं तो उसमें भी अभी नहीं है फिको टू, नहीं है ना, नो तो हम इसमें भी बढ़ाएंगे तभी तो वो उसको ले पाएगा। यदि एक भी वेरिएबल कम मिलेगा तो मना कर देगा कि भैया मैं नहीं प्रेडिक्शन बता सकता, जितने वेरिएबल मॉडल, चाहिए। हाँ जितने वेरिएबल मॉडल में है उतने चाहिए, ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन देगा ही नहीं, तो इसलिए ये वेरिएबल डालना पड़ेगा मुझे। तो ये वेरिएबल भी मैंने डाल दिया, और अब मैं आपको टेस्ट डेटा दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर फिको टू आ गया, आ गया, वॉट इट। अब मैं एक, मैंने आपको मेजर बताया था रूट मीन स्क्वायर एरर एक्यूरेसी के बिल्कुल लिए सबसे शुरू में, बाद में अपन आर स्क्वायर पे आए थे, तो अब हम इवेल्युएट करेंगे मॉडल को, इवेल्युएट करेंगे, और पहले मीन रूट मीन स्क्वायर एरर वाली बात करेंगे। तो मैं पहले मीन ले रहा हूँ ट्रेन डेटा का, पहले ट्रेन डेटा का कर रहा हूँ, है ना, रूट मीन स्क्वायर एरर, इंटरेस्ट रेट माइनस प्रेडिक्टेड, है ना, और यहाँ फिट बिल्कुल 9 लिखूंगा, फिट 9 लिखूंगा, ओके, और न्यू डेटा ट्रेंड, मतलब ट्रेंड डेटा पे, ट्रेंड डेटा सेट पे ही मैं उसका प्रेडिक्टेड वाई और एक्चुअल वाई, इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज द माइनस साइन, व्हाट इट, और इनका यस स्क्वायर, यही करते हैं अपन रूट मीन स्क्वायर एरर में, बिल्कुल डबल स्टेरिक है ना, जब बिल्कुल स्क्वायर करके मीन कर दिया तो डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, मीन में ऑटोमेटिक जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उससे डिवाइड करेगा उसको, गॉट इट, यस देन पाइप टू स्क्वायर रूट, उसके बाद में स्क्वायर रूट कर लूंगा, यही तो था रूट मीन स्क्वायर एरर, गॉट इट। यस
वाई माइनस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और पूरे का स्क्वायर रूट, यही था। याद आया फॉर्मूला आपको? तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रख दिया और मैं इसका रूट मीन स्क्वायर एरर देखता हूँ, तो 1.82 आ रहा है ना, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर एरर एब्सोल्यूट मेजर है, तो मुझे टेस्ट का भी चेक करना पड़ेगा। तो मैंने टेस्ट डेटा का भी किया सेम काम, तो आप देखिएगा यदि इसका टेस्ट डेटा का भी रूट मीन स्क्वायर एरर इसके करीब है तो मेरा मॉडल अच्छा है। देखिए 2.82 है, 1.82 है, 2.1 है, थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब एरर ज्यादा है टेस्ट डेटा में, बट इट चलेगा, टेस्ट डेटा में ज्यादा ही होगी। इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा तो ठीक है, लेस देन है तो ठीक नहीं होगा। लेस देन तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम होता है ना, कुछ दिक्कत होती है तो ही होता है। समरी फिट देखें, समरी फिट तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, है ना। अच्छा यहाँ फिट 9 देना था मुझे, सॉरी यहाँ पर फिट 9 देना है, वो मैंने पहले नहीं दिया था। 1 पॉइंट, अब देखिएगा अब करीब है, 1.82 और 1.93 बहुत ही करीब है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अब, ठीक है। ये वाला मैंने गलती से फिट ले लिया था इसमें, है ना, वॉट इट, हमें फिट 9 पे करना था, ये भी फिट 9 पे किया, ये भी फिट 9 पे किया, वॉट इट, तो 11 पॉइंट का डिफरेंस है, 0.11 का, इज इट क्लियर। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मॉडल ठीक ठाक है। और अब मैं प्रिडिक्टेड वैल्यू टेस्ट की लेता हूँ कि भाई क्या वैल्यू आ रही है प्रिडिक्शन की, तो मैं इसका हेड आपको दिखाता हूँ, एलडी टेस्ट का इंटरेस्ट रेट, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट का ये वैल्यू है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू ये है ये। मैंने परसेंटेज में कितना डिविएशन हो सकता है प्रिडिक्टेड मॉडल में? तो हाँ क्या भी ओके, जैसे 5% होना देखो चाहिए बस, 11 पॉइंट का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टोटल मतलब 5% होना चाहिए मैक्सिमम, 5% ट्रेनिंग और ट्रेनिंग का टेस्ट में 5% यदि ठीक है, 5% तक बढ़ सकता है, उससे ज्यादा ये बढ़ रहा है तो फिर दिक्कत है, गॉट इट। तो ये वैल्यू अपनी एक्चुअल की है टेस्ट की और ये प्रिडिक्टेड की है, ये एक्चुअल की है, ये प्रिडिक्टेड की है, 7.90, 9.75 है ना, फिर 7.90, 8.01, ये बिल्कुल 21 ठीक करीब करीब आ रही है, ये भी ठीक है, ट्वेंटी है ना, तो ये लगभग वन करीब ही है, नाइनटीन ठीक आ रही है। करीब है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल अब इस मॉडल को ऑप्टिमाइज तो मैंने कर दिया फिको से, ये मैंने बिल्कुल यहाँ पे दिया बाद में, है ना, मैंने बीच में ही कर दिया, गॉट इट, और ये सब मैंने रन कर चुका हूं, मैं ऊपर ही रन कर दिए थे मैंने, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बनाया था, लेट मी चेक दैट, ठीक है ये खत्म हो गया यहाँ, ठीक। तो ये हमारा मॉडल रेडी हो गया। अब मान लो आपको कोई डेटा इसमें डालेंगे मॉडल में फिट 9 में, तो आप प्रेडिक्शन ले सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास कोई डेटा है और आपको वेरिएबल मालूम होना चाहिए ना उसके, कि कौन कौन से वेरिएबल रखना है, ठीक है। तो जैसे आप यानी देखेंगे, क्या फाइंड करना है और क्या किस हाँ किस चीज को तो रखना आप है और किस मान हिसाब लीजिए से मैं डाल सकते अमाउंट हैं। रिक्वेस्टेड डाल देता हूँ 2000, या इंटरेस्ट रेट अपने मन से कुछ भी, मैं ये सब वेरिएबल का एक वेक्टर बना के डाल देता हूँ इसमें, है ना, तो वो उसका प्रेडिक्शन बता देगा कि कितना उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ठीक है, सिंगल वेरिएबल का भी डालता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये इस प्रकार से हमें बता सकते हैं, ये मॉडल इस प्रकार से काम करते हैं। अब एक और मैंने हेक्सबीन करके लाइब्रेरी आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगी, तो ये लाइब्रेरी में मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कुछ ggplot से,
सर आपने कहा था लाइब्रेरीज की लिस्ट शेयर करूंगा, वो भी करिएगा हाँ प्लीज, मैं फ्री हो तो। कर, बाकी तो कुछ एक तो याद हो गई होंगी आपको, है सर काफी सारी याद हो गई हैं जो बार ना। बार यूज की हैं। मैं इसको रन करता हूँ। एलडी टेम्प, टेम्प मैंने फाइल बनाई है। हाँ एलडी टेम्प। अच्छा ये कोई जरूरत नहीं है इसका, ठीक है ये मैं रन करता भी हूँ तो कोई मतलब नहीं है इसका, ये कोई मतलब नहीं है, सिंगल सिंगल वेरिएबल को लेके मैं दिखा रहा था, ठीक है ये। हाँ ये ग्राम बनाया था फिर तो, ये मैं अलग अलग हिसाब से उसको जब हिट एंड ट्रायल में हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। फिर फीको को इंटरेस्ट रेट के साथ देखा था मैंने, तो ये इस तरह के सेब दे रहा है, ठीक है। और ये हेक्सबीन पे मैंने फिर किया था, और तो थोड़ा सा ग्राफ के लिए हेक्सबीन जो लाइब्रेरी है ना, ये कोई इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो तो हम बने सिंपल ग्राफ ही बन जाते हैं। अब मैं एक नया डेटा सेट ले रहा हूं जो इसका नाम है ऑनलाइन न्यूज पॉपुलैरिटी, ठीक है। ऑनलाइन न्यूज पॉपुलैरिटी मैं चेक कर लूँ इस फाइल में पड़ा है कि नहीं पड़ा है। हाँ यही है, इसी फोल्डर में, ठीक है। तो मुझे वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और मैं इसको वैसे ही ले लेता हूँ, स्ट्रिंग एस फैक्टर फॉल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, अपने आप डिफॉल्ट में ही फॉल्स लेगा। और मैं पहले पुराना सब मिटा देता हूँ, ठीक है, सब एनवायरनमेंट में से हटा दिया क्योंकि दिक्कत करेगा नहीं। तो ये डेटा है, एक बड़ा डेटा है, 39,644 ऑब्जर्वेशन है और 60 वेरिएबल्स हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ, ये यूआरएल है, ये एन टोकेंस टाइटल है, एन टोकेंस कॉन्स्टेंट है, टोकेंस है, ये पॉपुलैरिटी मीडिया से रिलेटेड है ना, पॉपुलैरिटी, और ये सब इसमें दिया हुआ है। अपन इसमें नहीं जा रहे कि डेटा कैसा क्या, अपन खाली मॉडलिंग देखेंगे इसका। सो अल्टरनेटिव लार्ज सीएसवी फाइल कैन बी रीड फास्टर विद द फ्रीड इन डेटा टेबल। यदि हम इसको डेटा टेबल फॉर्मेट में बदल दें बड़े डेटा सेट को, तो ये जल्दी फास्टर काम हो जाता है इसका, जब हम काम करते हैं, है ना। तो हम एक लाइब्रेरी है डेटा डॉट टेबल, उसको रन करेंगे, और फिर हम इसको एमडी डेटा फ्रेम तो हमने पढ़ा ही हुआ है, और इसको हम दोबारा से रन करेंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि स्ट्रेंजेस्ट फैक्टर डिफॉल्ट की जरूरत नहीं रहती, ऊपर मैंने लिखा था डिप्लाई लाइब्रेरी है, डिप्लाई लाइब्रेरी के बाद ग्लिम्स हम देख रहे हैं, तो हमें ग्लिम्स मिल गया ये सब, है ना। पूरे वेरिएबल्स डबल है, इंटीजर है, पहला वाला ही कैरेक्टर है, बाकी सब आप देखेंगे ऑल आर डबल, यहाँ कैरेक्टर है मंडे और डेटा चैनल, ये कैरेक्टर है, बाकी मोस्टली डबल है या इंटीजर है। तो मंडे मैं, मंडे ट्यूसडे ये हाँ भी ठीक तो मैं है। जो है वीक डेज वाला जो है वो आपको बताता हूँ। यहाँ एक दिक्कत हो गई, फंक्शन में आगे हाइफन लगा हुआ है, टेबल में देख रहा हूँ एमडी वीक डेज का, तो ये टेबल है मेरे, फ्राइडे के इतने हैं, मंडे को इतने हैं, ये सब दे रहा है ऑब्जर्वेशंस कितने कितने किस दिन है, ठीक है। ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ कि म्यूटेट यस कर रहा हूँ वेडनेसडे, मैं इनके सबके डमी वेरिएबल्स बना रहा हूँ, ठीक। तो 7 डेज होते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि 6 डमी वेरिएबल बनाऊंगा, ये कम बनता है ना हमेशा। ओके फ्राइडे मंडे संडे सैटरडे, है ना, तो सैटरडे नहीं लिया मैंने इसमें, ठीक 6 ही लूंगा ना, 7 है तो, इज इट क्लियर। और वीक डेज वाला यस हटा सर दूंगा, बाइनरी बन जाएगा ना ये मेरा, मैं आपको एमडी दिखाता हूँ, देखिएगा आपको 50 हमारे पास है, 65 वेरिएबल,
यहाँ 50 तक ही बता रहा है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे ना हम्म, तो आगे के वेरिएबल बता देगा, सही। ठीक है, 16 to 65 बता रहा है, ठीक है। तो ये सब जीरो हो गए, है ना, 01 में आ गए, बाकी की सब ठीक। ये देखिए यहाँ पे है ना, वेडनेसडे, मंडे, ठीक है, ये आगे पूरे सैटरडे छोड़ के बाकी सब है, बाइनरी कर लिए मैंने, तो वो डे वाला जो कैरेक्टर था वो गया। अब डेटा चैनल, डेटा चैनल में पर बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है, दो हो गई, 3 4 5 6 7 है, तो मैं 6 लूंगा, एक को छोड़ दूंगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है मोस्टली हम उसी को छोड़ते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम, हाँ वो कोई रूल नहीं है, 6209, तो फिर ऐसा कोई तो रूल नहीं है क्या, पर जनरली फ्रिक्वेंसी कम हो उसको छोड़ दो, पर यहाँ कोई रूल अच्छा। नहीं है। तो यहाँ मैंने तो जो लाइन से ले लिया वो, और बिजनेस लिया है, एंटरटेनमेंट लिया है, लाइफ स्टाइल लिया है, अदर को मैंने छोड़ दिया है। अदर इसलिए कि अदर में सभी अदर आ जाएंगे, तो मैं अदर को ही बेस कैटेगरी बना दूँ जिसका मुझे ठीक नाम ही है। नहीं मालूम, मैंने उसको बना दिया, ठीक है ना। ठीक है। तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई कम वाले को सही। हटाएंगे, अब से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अदर क्या है, एक ऐसा वर्ड है कि भाई उसकी जगह जो मेरे पास नाम है वो उनको रखूँ ना, अदर वाले को बेस कैटेगरी में डाल दूँ, तो जो भी इसके अलावा है वो अदर ही कहलाएगा ना, वो बेस कैटेगरी में जाएगा। बिल्कुल, यानी उसका कोई नाम पता तो है नहीं, तो हाँ उसको बेस्ट कैटेगरी अदर्स में डाल देते हैं। क्या होता है कि यदि बिजनेस ये डेटा चैनल में कोई दूसरा नाम डालता है इनके अलावा, 6 नाम के अलावा, तो वो मना तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा अदर में ले लेगा, बेस कैटेगरी में ले जाएगा उसको, गॉट इट, ऑटोमेटिक, ठीक है। इसलिए एक छोड़ा जाता है, कि नहीं तो आपको भी कुछ और नाम है तो वो कहाँ जाएगा, ठीक, ये उसका रीजन होता है। बिल्कुल। अब क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो URL है मैं उस पर काम कर रहा हूं अब, ठीक है। अब URL में मैं वर्ड जो है, गूगल हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, एप्पल हुआ, वीडियो, न्यू ऐप, आईफोन, सोशल वर्ल्ड 2024, ये मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ वर्ड्स के नाम का, ठीक ठीक है, वर्ड्स के नाम पर एक वेक्टर बना लिया मैंने, एक वेक्टर बनाया इन सब नाम का, मैंने देखा कि वहाँ URL के अंदर इस तरह के नाम है, तो वर्ड इन वर्ड्स MD पेस्ट वर्ड अंडर स्कोर वर्ड, मतलब वर्ड के साथ ये वर्ड जुड़ जाएंगे, इज इक्वल टू NA, इफ वन इन वन टू एन रो MD पेस्ट 0, पहले मैं इसको रन करता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ये मैंने फंक्शन रन किया, अभी फंक्शन को कॉल करूंगा मैं बाद में, ठीक है। तो ये तो मैंने फंक्शन बना लिया है, अभी चल रहा है अभी ये फंक्शन, रन ही हो रहा है अभी तक, क्या बात है। अच्छा अप्लाई भी कर दिया इसको फॉर्म में, तो वो दो ब्रैकेट्स नीचे वाली रो में बंद हो रहे, कर्ली ब्रैकेट्स। आपने पहली वाली रो से ही रन किया शायद। नहीं इसमें तो दोनों ही दे दिए ना नीचे, उसने अच्छा, यहाँ तो दो दे दिए। यहाँ प्लस नहीं दे रहा है, मतलब रन है अभी, प्लस हाँ, देता और तो वहां इनकम्प्लीट पे होती। भी वो हेक्सागन, रेड वाला हेक्सागन भी दिख रहा है स्टॉप के लिए। हाँ ये दिख रहा है अभी, रन कर रहा है अभी, क्योंकि बड़ा डेटा है ना, थोड़ा सा चलने देते हैं अभी इसको, हाँ
हो गया है ना। जी सर। डेटा ज्यादा है ना सर, इसलिए टाइम ले रहा है। देखिएगा यहाँ दिख रहा है आपको, हो गया ना, ये मैं बता रहा बिल्कुल हूँ आपको, ये मैंने जो लिखे थे ना, बिल्कुल 01 की फॉर्म में आ गए। 01 के फॉर्म में आ गया, DC अंडर को वर्ड स्कॉम, ठीक है, ये सब उसमें आ गया। वर्ड अंडर ये यहाँ से चालू हुआ, वर्ड अंडर इसको गूगल, वर्ड अंडर इसको ट्विटर, वर्ड अंडर इसको फेसबुक, है ना, किसमें कितने वर्ड, किस URL में कौन से वर्ड है, व्हाट माई पॉइंट, यस ये सब इसने बता दिया अपन को, ये मैंने उसको इस प्रकार से कर लिया है। और अब मैं URL वाले कॉलम को हटा रहा हूं, जो कि मेरा पहला वेरिएबल है, ये है ना URL, फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। तो MD MD -1, ओके, कॉलम के लिए कॉमा के बाद लिखते हैं अपन, ये मैंने कन्वेंशनल अप्रोच यूज करी है, ठीक है, तो ये हट जाएगा। अब मेरे पास 80 वेरिएबल बचे हैं, यदि आप देखेंगे तो ये कॉलम नहीं है मेरे पास, अब पहला वाला URL की जगह मैंने उनके वो डमी वेरिएबल बना लिए। अब मैं ठीक है। पूरे वेरिएबल मेरे पास अब जो हैं वो सब न्यूमरिक हैं, है बिल्कुल सारे ना, 01 के फॉर्म अब में आ सब गए। 01 या दूसरे न्यूमरिक हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही थे कैरेक्टर, दोनों को बदल दिया हमने, ठीक है। आप चाहें तो एक बार वो ग्लिम्स चेक कर सकते हैं, देखिएगा सब वेरिएबल डबल है या इंटीजर है, कोई भी वेरिएबल अब हमारे पास कैरेक्टर है नहीं है, ठीक है, हम हमारा डेटा रेडी है पार्टीशन के लिए। तो सेट सीड मैंने 2 लगाया है, 80% मैं ट्रेनिंग में ले रहा हूँ यहाँ, और 20% अब मैं लूंगा टेस्टिंग में, ठीक है। तो मैं सीधे मॉडलिंग चालू कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई मिसिंग वैल्यू यदि आपको बताऊँ सम, इस डॉट एन MD, एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, वॉट इट, इज इट क्लियर, मिसिंग वैल्यू एक भी नहीं है, तो मुझे मिसिंग वैल्यू को कोई ट्रीटमेंट नहीं देना। आउटलायर भी यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर नहीं है डेटा सेट में, आप चेक कर सकते हैं उसको। अब कौन से वेरिएबल में, 01 में तो आउटलायर देखेंगे नहीं हम, आउटलायर यहाँ चेक कर सकते हैं, इधर चेक कर सकते हैं ना, इधर चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल। ऐसे तो आप कर सकते हैं, वैसे आउटलायर है नहीं इस डेटा में। अब लाइब्रेरी कार में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, पहले तो मैं मॉडल रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फिट वन ले रहा हूँ पहले, ओके, और फिट वन को मैंने रन किया, ये मॉडल रन हो गया, इसका समरी दिखाता हूँ, ये इसका समरी है। हाँ, इसका जो ये सब वेरिएबल्स हैं, काफ़ी वेरिएबल हैं जो है जिसमें एस्ट्रिक नहीं है, मतलब बहुत से वेरिएबल है जो हमें रिमूव करना पड़ सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 0.05 से वैल्यू बहुत सारी ज़्यादा है, गॉट बिल्कुल इट, सर, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो वही अगेन सारा प्रोसीजर इस पे वही होगा जो हमने प्रीवियस सीखी जो है। प्रीवियस प्रोजेक्ट में किया था। बिल्कुल पर ये सब मैंने इसके अंदर किया हुआ है ना, एक एक करके, तो बिल्कुल ठीक ये है सर। सब मैंने, आपको पहले मेहनत करना है, फिर मैं बताऊंगा इसका एक और तरीका होता है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा है सर, इस पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारा रिकॉल हो हाँ, जाएगा। तो एक बार ये इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। स्वाति जी, समझ में आया आपको? हाँ स्वाति जी, ये डेटा सेट और मैं डाल देता हूँ, ये वाला नहीं डाला था उस फाइल में, ऑनलाइन वाला। ठीक है ठीक है ठीक है।
वो आपको प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सर, बस सेम प्रोसीजर है ना वो, सेम वन बाय वन प्रोसीजर, मैंने और स्क्रिप्ट लिखी फिर हुई से है, स्क्रिप्ट लिखी जाना है हुई है, बिल्कुल। आप अपने हिसाब से जो स्क्रिप्ट में कुछ चीजें और आप करना चाहते हो तो आप करिएगा उसके अंदर, है ना? तो होगी ठीक है स्क्रिप्ट सर, आप ठीक ऑनलाइन फिर डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू है नहीं। यदि खराब बिल्कुल भी हो सर। जाती है स्क्रिप्ट तो वो कोई डरने वाली बात है नहीं उसमें, है ना? तो वो आप कर सकते हो उसको। हाँ हाँ मैं वो ऑनलाइन वाली फाइल भी अपलोड कर देता हूँ। ऑनलाइन पॉपुलैरिटी वाला डेटा है, ठीक है? क्योंकि ठीक इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो हम देखेंगे। ये एक बार है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है क्या सर, होता एक है मिनट। ठीक कि मॉडल में रेगुलराइजेशन भी होता है है। नॉन नॉन लीनियरिटी के लिए, वो भी हम देखेंगे कि मॉडल में ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग की जब बात आती है तब हम क्या करते हैं, है ना? ठीक है तो बिल्कुल उसके सर। लिए हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हमारा मॉडल ओवर फिट हो रहा है अंडर फिट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो भी हम समझेंगे। अच्छा ये आए हुए हैं, और उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि और मॉडल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास इतने सारे वेरिएबल हैं, यहाँ 80 के लगभग वेरिएबल हैं। यदि हम इसी टेक्निक से चलते हैं, मैन्युअली एक एक करके हटाते हैं, तो सर ये तो तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, अगर इससे टाइम ज्यादा घंटा कंज्यूमिंग हो है गया। या? तो उसके लिए हमारे पास कुछ और टेक्निक्स हैं जो हम यूज करेंगे, है ना, ठीक है। जिससे ये शॉर्ट आउट हो जाए। कई बार हमारे पास 150-200 वेरिएबल्स होते हैं, ज्यादा भी ठीक है। होते हैं, तो हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, आप लोगों ने नाम सुना होगा कभी, वो डायमेंशन ट्रांसफॉर्म करते हैं हम उसमें, और फिर हम मॉडल बनाते हैं, ठीक है? तो वो वन फोर्टी डायमेंशनल एनालिसिस तो किया था सर। हाँ डायमेंशन रिडक्शन का एक वो रहता है अब टेक्निक, हाँ पीसीए, ठीक प्रिंसिपल ठीक वो कंपोनेंट किया था, एनालिसिस। बिल्कुल बिल्कुल कुछ याद पड़ रहा है, हाँ, किया था तो कई बार। वो भी थोड़ा सा पहले उसका कंसेप्ट बताऊंगा आपको क्या होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि जो हाई वेरिएंस वाले वो अलग तरह से जो है डायमेंशन को सेट करता है, कंपोनेंट बनाता है, जितने वेरिएबल है उतने प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाएगा। ठीक है। मान लीजिए 140 आपके वेरिएबल्स हैं तो 140 प्रिंसिपल कंपोनेंट बनेंगे, पर उसके डायमेंशन अलग होंगे। मतलब सही, जो डायमेंशन होता है थ्री स्पेस में जो डायमेंशन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल सही। होगा उसका, और वो डायमेंशन इस प्रकार से सेट होगा कि पहला जो वेरिएबल है उसकी वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उसका वेरिएंस सबसे ज्यादा हो, अच्छा, यानी फर्स्ट का वेरिएंस सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ठीक वाला है। सेकंड का, उससे कम वाला। तो आप मान लीजिए, मान लो 140 वेरिएबल्स आपके पास थे, आपने एक एक करके ड्रॉप किए ये मैनुअल टेक्निक से, मान लो पी वैल्यू के अकॉर्डिंग और वी आई के अकॉर्डिंग, आपके पास बाद में 26 वेरिएबल बचे, ठीक है, 26 बचे जो सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप बता रहे हैं। पर आपका जो जितने वेरिएबल आपने हटाए वो कुछ ना कुछ तो यूनिक इन्फॉर्मेशन ले गए होंगे ना, 1%, 0.5%, 0.25 बिल्कुल जाहिर है, परसेंट तो बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो भी कम हुआ होगा और आर स्क्वायर्ड भी कम हुआ होगा, है ना? धीरे धीरे कम होता गया होगा, तो आप सोच रहे होंगे नहीं यार धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत रैपिडली नहीं हुआ है, पर इतने वेरिएबल के हिसाब से पहले वेरिएबल और लास्ट वेरिएबल जो आप डाल रहे हैं वहां देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया आर स्क्वायर, ठीक है ना? तो आप काफी कुछ इंफॉर्मेशन लूज कर गया होंगे, करीब 20 से 30%। सही। अब 20 से 30% इंफॉर्मेशन लूज करके क्या समझते हैं कि आपने जो मॉडल बनाया है वो वायबल है? नहीं है, बिल्कुल है ना? तो हम चाहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन लूज ना करें, हम करीब करीब 96% हमारे पास इंफॉर्मेशन रहे, है ना? सही। तो जब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं तो
वो शुरू के 7-8 प्रिंसिपल कंपोनेंट के अंदर ही 90% के अबव वेरिएंस दे देता है, एक्युमुलेटिव। क्यूमुलेटिव उनका वेरिएंस जो होता है 8 से 9 PC का, वो 90 के ऊपर होता है। ठीक है, ठीक तो आपको जहाँ 26 वेरिएबल की जगह आप कितने पीसी ले रहे हैं, 8 PC ले रहे हैं खाली, बिल्कुल और 8 PC आपको 96% यदि वेरिएंस दे रहा है, मतलब 96% आपकी इंफॉर्मेशन आपको सस्टेन, मतलब सेव हो रही है, मतलब डैमेज, मतलब वो लूज नहीं करी आपने कोई भी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस उन केसेस में बहुत जरूरी होता है जब वहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है। यानी कि जितना ज्यादा डेटा होगा तो फिर हम शिफ्ट करेंगे, तो जैसे फिर हम यानी माइनस करते जाएंगे तो फिर हमारा मॉडल सेटिस्फेक्ट्री नहीं होगा। सही हाँ, सही, यानी अगर कम वेरिएबल्स हैं तो ये वाला प्रोसीजर ये ठीक है, एक प्रोसीजर माइनस सही है करके मेन चेक वाला करो, है। दूसरा करो, तीसरा करो। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा हमारे में, पास वेरिएबल जो हैं वो 50+ निकल रहे हैं तो हाँ फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे कि शिफ्ट कर जाएंगे पीसीएम इन्फॉर्मेशन में। भी लूज ना हो और हाँ, मॉडल भी सेटिस्फेक्ट्री मॉडल हो। भी सेटिस्फाइड है, ठीक है ठीक ना। हो गया, ठीक है तो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, तो अभी अपन उसको भी देखेंगे, पहले आप प्रैक्टिस कर लें। रियाज ठीक कैसे हैं हो गया। आप? अच्छा, रियाज आज वेडनेसडे है, नहीं ट्यूसडे है, आज भी ऑफिस में ही होंगे रियाज? असल में सर शायद उसको लिंक उसने पुराना खोला हुआ है, वो स्वाति उसको मैं कर रही है कि नए लिंक पे आओ तो। हाँ नहीं, आ गए हैं ना रियाज, तो है अब सेशन में अपने, अच्छा, देखता रहा है रियाज का आईफोन तो। आईफोन आ गया हाँ, बिल्कुल। स्वाति नहीं है अब शायद बीच में, अभी स्वाति आउट हो गई। चलिए, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना सफिशिएंट ठीक है सर, ठीक है, है आप ना। लोग आप अपनी इसका चीजें प्रैक्टिस समझ करो। करिएगा, जी पहले तो जो सर, मॉडल इंशाल्लाह अपन ने मैं पहला करूंगी। बनाया था आप उसी को देखें, फिर ये दूसरा मॉडल जो मैंने आज दूसरा डेटा सेट दिया उसको देखेंगे, है ठीक ना, हो गया बिल्कुल और उसको अपन करते हैं। सर। गाड़ी ये सेशन